अरे सर, मैंने जो सवाल पूछा था कि जो बीवियां हैं वो क्रिकेटर्स को उस समय इजाजत थी या नहीं, तो फिर सर ने ये बताया कि जो हमें बातों से समझ में आया कि बोर्ड ने ज्यादा टेंशन ली नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि खिलाड़ी के पास पैसे तो है नहीं तो ये कौन सा लेके जाएंगे, तो उन्होंने शायद आप पे छोड़ दिया था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारे मैचेस आप खेलो, पजी भाजी गीता भाभी को भी हमने देखा है मैचेस में, कई बार आपके मैचेस देखने आते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी वाइफ्स वहां पे आती हैं, तो हमारे दर्शकों की कुछ राय लेना चाहते हैं हम सर इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों की जो पत्नियां हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं, उनको इजाजत होनी चाहिए मैच में साथ जाने की, ट्रैवल करने की, देखने की या नहीं? तो अपने अपने विचार पेश करेंगी हिंदुस्तान की जनता। जी सबसे पहले जी वन बाय वन आइए, माइक दे दीजिए मैडम को। हाय कपिल जी। हेलो जी। आई लव योर शो बिकॉज माय हस्बैंड लाइक्स वेरी मच यू। थैंक यू जी, आपके हस्बैंड की चॉइस बड़ी अच्छी है क्योंकि आप पूरा टेंशन खत्म कर देते हो। शुक्रिया जी, घर का बस आप उनको देते रहिए, हम खत्म करते रहेंगे जी मैम आए नहीं हस्बैंड साथ में? नहीं वो नहीं आए, मेरी वो सिस्टर वो है शो के आप है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। वो बिजनेसमैन है तो उनको टाइम नहीं है, तो जाने दो उनको जाने दो उनको जी। तो क्या कहना, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार है कि हस्बैंड लोग को साथ में लेके ही जाना चाहिए वाइफ को। क्यों? बिकॉज क्रिकेट में हार्डवर्क ज्यादा चलता है जी, बट अगर आदमी शादीशुदा है तो उसका लक उसके साथ में चलता है जी। मतलब वाइफ के आ जाने से लक भी काम करता है और हार्डवर्क भी काम करता है। आप खुद बोलने की बीवियों जानी चाहिए मैच देखने, और जब शो पे आई तो पति को साथ आप लेके नहीं आई तो मतलब इतनी अरे वो पैसे कमाने में पड़े हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, तो चलो जाने दो उनको, पैसे कमाने दो, हमको उड़ाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका जी। और कोई हमारे दोस्त जी, मैडम ने पीछे हाथ खड़ा किया था, वो भी अपने विचार पेश करना चाहती हैं इस मुद्दे पर कि खिलाड़ियों की पत्नियां जो है अलाउड होनी चाहिए या नहीं। जी मैडम, बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए। वाओ, व्हाट अ स्टैंड। या बिकॉज घर का झगड़ा क्यों फील पर लाए? Actually, फिर मूड खराब हो जाता है ना। wow, और हम बीवियों की बहुत बुरी आदत है, हस्बैंड को सामने देखते ही नैगिंग शुरू कर देते हैं, झिकझिक शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि ये करो वो करो। सो बेहतर है कि आए ना। ऑनेस्ट लेडी ऑफ द आइडिया। वाह, बिल्कुल आपने ऑनेस्टी से आपने जवाब दिया, और वी लव यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। इस तरफ भी हाथ खड़े हुए जी। जी सर, आप माइक ले लीजिए। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि माँ को लेके जाना चाहिए हम जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो। माँ तो हमेशा, मेरी माँ हमेशा मेरे शो में रहती है, तो वो तो आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। हाँ, माँ रहती है तो वैसे ही काश लगता है भगवान हमारे सामने आशीर्वाद। पर फिर भी लॉजिक उसके पीछे क्या देना चाहते हैं आप? कैसा हो जाता है आजकल क्रिकेटर, मतलब हीरोगिरी शुरू कर देते हैं। कैसे मतलब? मतलब कोई गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, तो उनके सामने हीरोगिरी शुरू कर देते, फिर जल्दी आउट हो जाते तो उससे अच्छा ऐसा होता है? पता नहीं यार, मुझे तो पता नहीं, एक दो बार यूवी आउट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ को लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनका अच्छा। आशीर्वाद रहेगा तो और अच्छे से हम खेल पाएंगे। यार बड़े बड़े नेक विचार हैं आपके, लव यू ब्रदर, थैंक यू। हमारी माँ ही है तो मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आपके पीछे भी किसी ने हाथ खड़ा किया था, ये मैडम कुछ कहना चाहती हैं। हेलो कपिल, आपको देखने मुझे आम का सीजन याद आ गया, येलो कलर का सूट पहना, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। कहाँ से आई मैम आप? मैं वैसे तो बठिंडा मानसा की हूँ। और ऐसे वैसे आप बठिंडा से जी? ऐसे हम, मैं कुलावा नेवी नगर से आई हूँ। आपके हस्बैंड नेवी में? हाँ जी। हाँ, साथ आए? नहीं, एक्चुअली उनकी ड्यूटी थी, वैसे वो आना चाहते थे, बहुत बड़े फैन है आपके शो के। शुक्रिया जी। पर उनको छुट्टी नहीं मिली इसलिए ना। अच्छा, वो नहीं आ पाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे क्रिकेटर्स की वाइफ को अगर वो साथ में ले जाए ना ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ, मतलब उनकी जो होती है ना, उनको तो वो अपने हस्बैंड को टीवी पर देख लेती है जी खेलते हुए। जैसे मेरे हस्बैंड नेवी में है, तो सबमरीनर एक्चुअली वो। ओके। तो जैसे वो सेलिंग पे चले जाते डेढ़ डेढ़ दो दो महीना। अच्छा। तो जैसे ये तो बात भी कर सकते हैं ना फोन पर जी। हम लोग तो बात भी नहीं कर सकते फोन से। मैं आपके शो के जरिए, मतलब क्योंकि आप तो ट्वीट भी कर लेते हो, है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना सरकार को मेरी तरफ से पहले ये गुजारिश कीजिए कि वाइफ्स को साथ में लेके जाएं, क्योंकि हम लोगों को अकेले रहना पड़ता है ना, तो हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं। तो आप थोड़ा सरकार को बोलिए कि यार, मतलब ये नेवी वाले की वाइफ है। भाई सबसे पहले तो आपके हस्बैंड को सैल्यूट है, हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं। थैंक यू।
जैसे आपने अभी मैडम की बातें सुनी, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दो दो महीने, तीन तीन महीने आप घर आना तो दूर की बात, फोन पे भी बात नहीं हो पाती, पर लेकिन ये जो आप सैक्रिफाइस करते हैं आपके परिवार और आपके पति, और ये हम सबके लिए करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं, तो हमारा सैल्यूट है आप सबको, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। और बाकी जो जो आपने ट्वीट वाली बात कही है, पता क्या, मेरे अपने पंगे नहीं खत्म हो रहे मैं तो सरकार मतलब क्रिकेट में तो अभी मना नहीं है, क्रिकेट में तो जा सकती हैं, आपकी बीवियां साथ में जाती हैं, अभी आप देखते होंगे मैच पर। हाँ, मुझे नेवी का पता नहीं है, वैसे अगर कहीं और पोस्टिंग होती तो उनके जो क्वार्टर्स मिलते हैं वहाँ पे तो मैंने फैमिलीज देखी रहती हैं, पर ये तुम लोग रहते हैं। हाँ, वहाँ पे तो आप रहते ही हो ना। हाँ जी हाँ। तो आपको सबमरीन तक घुसना है ना। बोल दो कि आपकी बात एक बार सरकार के ध्यान में आ जाए, ठीक है, तो बोलिए। सरकार के ध्यान में आ चुकी है, आप भी टीवी पे आ ही रही हैं तो ऑलमोस्ट बात पहुंच चुकी आपकी है, ज्यादा चलती है ना ये आपको लगता है। नहीं है, ऐसा ही है। पर आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इधर भी भाई साहब एक अपना कुछ बयान कुछ करना चाहते हैं, अपने विचार। जी भाई जी, सबसे पहले नमस्कार कपिल सर। नमस्कार पूरी टीम को, मेरा नमस्कार। नमस्ते जी सर। मेरे हिसाब से बीवियों को साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं लेना क्यों? क्यों बड़े आपने ना, वो होता ना कि आदमी सता हुआ है पूरा, उसने ऐसे बोला है। आपकी पहली लाइन में ना वो गुस्सा नजर आ रहा था, क्यों क्यों कहा आपने ऐसा? नहीं, प्यार की बात है सर। अच्छा, देश प्रेम की बात है। देश प्रेम की बात है। हाँ जी। कैसे मतलब? प्लेयर देश की शान होते हैं सर। हाँ जी। और बीवी जान होती है। हाँ जी। और आजकल ये कैमरे वाले पूरा अगर बीवी साथ गई है तो उस पर फोकस पूरा करते हैं। हाँ जी, तो उसमें गलत क्या, फिर क्या हो गया? तो कहीं ध्यान जान की तरफ चला गया तो देश की तो जान पे बन जाएगी सर। तो आप क्या करते हैं सर? फार्मर। अच्छा, कहाँ से आए आप? पानीपत हरियाणा सर। अच्छा जी, तो बीवी के साथ आए हैं? नहीं, दोस्तों के साथ। तो अभी कौन सा देश की आन बान खतरे में थी, उनको ले आते आप? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपका ध्यान भटक जाता या कुछ काम खराब हो जाता। आप अब जो खेतों में जाते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो अपनी बीवी को साथ लेके जाते हैं? नहीं सर। क्यों, आप कहीं मतलब क्यों नहीं लेके जाते आप? ऊपर ध्यान उधर रह जाएगा ना सर, ध्यान उधर रह जाएगा, फसल कहीं गलत ना बोते हैं। चलिए भाई, हर एक के अपने अपने विचार है। धन्यवाद सर, हरियाणा से आए आप, शुक्रिया। और कोई हमारे भाई साहब? जी जी मैडम। मेरा नाम हीना है। हीना। और मेरा ये मानना है कि वाइफ को साथ में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ट्यूशंस करवाती हूँ, अगर अच्छा मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में बैठे रहेंगे तो वो टोक टोक करते रहेंगे, ये मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, तो आई विल नॉट प्रेफर। वैसे वो बिजनेस टूर्स पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो मेरी आदत रहती है कि ये शर्ट मत पहनो, वो पैंट मत पहनो, ऐसे शूज मत डालो। तो अगर वो मतलब अगर क्रिकेटर्स के साथ उसकी वाइफ जाएंगे तो ऑब्वियस वो बोलेंगे सबने सेम टी शर्ट पहनी, आप कुछ अलग पहन लो। उसको मना नहीं कर सकते ना। बीवी को लेके जाना चाहिए। ये नहीं चाहिए, बीवी को लेके जाना चाहिए। जो आदमी दुनिया में किसी से डरता वो बीवी के। हाँ, हाँ। क्योंकि 83 वर्ल्ड कप में 6 बीवी आ गया, 6 बीवी जीत गया हमको, लक हो गया। उस टाइम इसका शादी नहीं हो गया, यशपाल की भी शादी नहीं हो गया, हो गया क्या? वर्ल्ड कप टाइम में आपका शादी नहीं हो गया? अरे शादी हो गया था, नहीं आ सकती थी, इन्होंने मुझे तू कंजूस है इसीलिए प्रॉब्लम है। अरे क्योंकि विश्व कप जीता उसके बाद बहुत बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे, हमारे घर में बेटी आई सितंबर में, इसलिए वो नहीं आ सकती थी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द लेडीज, बीवी को लेके जाना चाहिए, इसमें क्या फर्क है रे? नहीं, घर में इतना डॉक्टर करते हैं बीवी, फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर वो भी हाल होगा। आपसे हॉलिडे के लिए लेके जाएंगे ना, 20 दिन में तो पूरा टूर नहीं रह सकता है। मेरे हस्बैंड हैं 15-20 दिन में, इसमें क्या फर्क है आपका? मेरे हस्बैंड है, वो मुझे कभी लेके नहीं जाते बिजनेस। आपका हस्बैंड लेके जाएगा तो मैं क्या करूँ उसको? इधर तो वो रेड वाला बोलता है लेके जाओ। Mine is love marriage. ये सबका लव मैरिज है इधर, ये क्या फर्क है इसमें? मेरा अरेंज मैरिज है। आपका कुछ भी नहीं अरेंज है, कुछ भी नहीं अरेंज होगा आपका। I'm with you. Keep your wife. You all don't understand. In the 83 World Cup, since the whole program of the 83 World Cup, the wives, सबका वाइफ बहुत अच्छा एंजॉय किया। ओ पबी दैट इज गमस्का का वाइफ, रोमी कपिल का वाइफ, बिकू जिमी का वाइफ, अनु का मधिक का वाइफ,
वो भी आ गया, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी हो गया. एक्चुअली टू कट शॉर्ट, दोज हु गॉट मैरिड द डे गॉट मैरिड हमारी टीम में से, एवरी टाइम दे यू नो देयर वाइफ्स ट्रैवल विद देम एंड इट वाज सच वंडरफुल टू हैव यू नो भाभी इज विद अस. इट इज अ हनीमून टाइप हॉलिडे, सब कुछ कुछ भी. अदरवाइज किधर देखेगा इंग्लैंड, किधर देखेगा ऑस्ट्रेलिया, किधर देखेगा साउथ अफ्रीका, किधर देखेगा अमेरिका. ये ऑस्ट्रेलिया चलो लेके जाओ, ऑस्ट्रेलिया हॉलिडे की भी हॉलिडे भी हो गया, मैच की भी मैच भी हो गया, वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप भी हो गया, जीत की भी जीत भी हो गया, बाद में कप भी आ गया, सब ठीक हो गया.